बिजनौर में चोरों ने लॉकडाउन में भी चोरी करके तांडव मचा रखा है। यूं तो आम दिनों में भी शहर में चोरियों को खूब अंजाम दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन ने तो रोजगार ही खत्म कर दिए हैं, जिससे चोरियों को बढ़ावा मिला है। कल भी बिजनौर में चांदपुर की चुंगी के पास सिरधनी रोड पर चोरों ने खिड़की की जाली तोड़कर घर में प्रवेश किया और वहां पर रखी सारी अलमारियों के ताले तोड़ डाले। बताया जा रहा है कि चोरों ने लाखों रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों ने पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के दौरान सीसीटीवी में तीन लड़कों को सामान ले जाते हुए देखा। अब पुलिस इन तीन लड़कों की पहचान कराने में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ पे रहती हैं आप? अच्छा, यहाँ कहाँ पर? क्या क्या मामला है पूरा, क्या हुआ आपके घर में? हमारे घर में ये हुआ है। आप कहाँ घर में? ये सब तो हमारे घर पे थे, हमारी सास की तबीयत खराब थी जी, तो इन्हें रोक लिया था हमने। तो जो ये रुकी थी तो रात कोई आया नहीं था यहाँ पे। अच्छा, तो सब यहाँ पे आके चोरी करके ले गए। कितना नुकसान है आपका? 8 लाख का। अच्छा, क्या क्या गया? 3 सोने के सेट गए जी, 4 सोने के कंगन जी, 8 सोने की अंगूठी जी, 2 जोड़ी कुंदे। अच्छा, 4 चांदी के सेट जी, 2 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी पिछुए। अच्छा, लगभग आपको 8 लाख का नुकसान हुआ। पुलिस को सूचना दे दी गई है? जी, दे दी। ठीक। नाम आपका? मुस्तकीमा। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके घर में? मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही थी जी, तो मैं वहाँ रहती हूँ काजीबाड़ी में, तो मैंने इसे अपनी बहू को लड़के को वहाँ बुला लिया था। नहीं के बेटे, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के दिखा के लाए, अब रात ही आने के लिए कह रहा है। तो 4 बजे मेरा लड़का इन्हें मछलियों को दाना डाल के गया, और बस मैं बोली मेरे तो बेटे मेरा दिल बहुत घबरा रहा, तुम आज जाओ मत, तो ये भाई पे रुक जाए थे।